हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंसर्ट मेनू के लिंक के बारे में। पिछले वीडियो में हम यहां तक के सारे ऑप्शंस को क्लियर कर चुके थे। यदि आपको वो वीडियो देखना है तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा हाइपरलिंक। किसी भी वर्ड को आप एज अ लिंक बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं हाइपरलिंक। हाइपरलिंक्स वर्ड का एक लिंक ही होता है जिसमें हम किसी फाइल या फोल्डर को ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम कोई भी वर्ड लिख लेते हैं, यहाँ हम कोई पैराग्राफ इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे इस वर्ड को आपको एज अ लिंक आपको ओपन कराना है या एज अ लिंक आपको बनाना है तो आपने क्या करना है, पहले जिस भी वर्ड को आपको लिंक बनाना है उस वर्ड को आपको चूज़ कर लेना है। जैसे हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट वर्ड को लिंक बनाना चाहते हैं और इसी में हम किसी भी डॉक्यूमेंट को ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको आपने सेलेक्ट करना है, उसके बाद हाइपरलिंक पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी फाइल या फोल्डर इससे अटैच करना है उस फाइल को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हमने ओके कर दिया। देखिएगा यहाँ पे इसका कलर चेंज हो चुका है और जब भी आप इसके माउस का मीन्स इस माउस का कर्सर यहाँ पे ले जाइएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, मीन्स इसको आप कंट्रोल प्रेस करके इस लिंक को फॉलो कीजिए। तो हम यहाँ पे प्रेस कर देते हैं कंट्रोल, इस तरह का हैंड सिंबल आ जाता है, आपको उस लिंक पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे एक मैसेज देगा, इसमें आपको यस कर देना है। जो भी फाइल इससे अटैच रहेगी वो आपका ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से पहला ये स्टेप है जिस तरह से आप इसको फॉलो कर सकते हो। दूसरा तरीका है कि आपको जहाँ पे भी लिंक बनाना है वहाँ पे आप अपने कर्सर को रख दीजिए और हाइपरलिंक ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जिस भी नाम से बनाना है आप यहाँ पे नाम डाल दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया ज्ञान। ज्ञान डालने के बाद मीन्स आप अपने लिंक का नाम डालने के बाद यहाँ पे जो भी फाइल अटैच करनी है वहाँ पे आप क्लिक कर दो। तो हम इस फाइल को अटैच कर रहे हैं और यहाँ पे हम ओके कर देते हैं। तो देखिए मैंने वहाँ पे भी डाला या फिर आप सेलेक्ट करके, मीन दोनों तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे दोबारा से वही काम करना है, आपने कंट्रोल प्रेस करना है एंड माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करना है। तो जो भी फाइल रहेगी इस तरह से मैसेज खुलेगा, यस करना है और आपका वो जो फाइल अटैच रहेगा वो ओपन हो जाएगा। तो किसी भी नेम से या किसी भी रिकॉर्ड को आपको ओपन करना है एज अ लिंक तो आप हाइपरलिंक का यूज़ कर सकते हो। हाइपरलिंक में एक ऑप्शन आता है यहाँ पे पेज इन द डॉक्यूमेंट, इसमें यहाँ पे दिया गया है टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। जैसे यदि हमारे पास यहाँ पे ढेर सारे पेज या ढेर सारा पैराग्राफ है, यहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट कुछ पैराग्राफ ऐड करा लेते हैं, यहाँ पे 99 पैराग्राफ। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पेज अभी आपकी संख्या इसकी बढ़ गई है, 11 पेज हो गए हैं और लगभग 6000 से कुछ ऊपर आपके वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे हम 11 पेज पे हैं, हो सकता है आपके पास 200-250 पेज हों और आपको यानी पहले पेज पे जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बस आपने यहाँ पे कर्सर रखना है और हाइपरलिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है पेज इन दिस डॉक्यूमेंट, इसको आपको क्लिक करना है और यहाँ पे टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके ओके कर देना है। यहाँ पे ये हैज अ हाइपरलिंक ओपन हो जाएगा, कंट्रोल प्रेस करना है एंड माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना है। तो ये आपको फर्स्ट पेज पर यहाँ पे आपको पहुँचा देगा। तो इस तरीके से आप इस ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ बुकमार्क। बुकमार्क क्या होता है, जब भी हम बुक्स पढ़ते हैं तो जैसे डायरी वगैरह होती है तो डायरी में रिबन दिया रहता है, हम लोग जहाँ तक पढ़ते हैं वहाँ पे वो रिबन लगा लेते हैं ताकि हमें नेक्स्ट टाइम जब भी पढ़े तो हमें रिमाइंड रहे कि हम लास्ट टाइम कहाँ पे छोड़े थे। या फिर हम पेज को मोड़ देते हैं तो वो भी एज अ बुकमार्क ही है। तो बुकमार्क हमें रिमाइंड कराता है कि लास्ट टाइम हम कहाँ तक पढ़े हुए थे या कहाँ पर हमने छोड़ा था। तो ऐसे हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं बुकमार्क का। यहाँ पे जैसे फर्स्ट डे हम यहाँ पे कहीं बीच में रख देते हैं ताकि आपको पता चले कि वर्क कर रहा है, यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट पे रख देते हैं, ठीक है।
इस डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं, हम यहाँ पे कलर कर देते हैं ताकि पता चले कि हाँ ये वर्क कर रहा है, इसको हम कलर कर दिए। लास्ट टाइम हमने यहाँ तक पढ़ा था, यहाँ पे इंसर्ट में जाते हैं, बुकमार्क देते हैं। यहाँ पे बुकमार्क का नेम पूछेगा, आप कोई भी नाम डाल दो, जैसे मैंने यहाँ डाल दिया कि मैंने यहाँ पे मंडे को यहाँ तक पढ़ा था, ऐड कर दिया। नेक्स्ट टाइम हम जाते हैं और यहाँ पे कहीं कर्सर रख देते हैं, इसको भी हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे जिससे हमें पता चले, यहाँ पे हमने हाईलाइट कर दिया। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे कर्सर रखने के बाद यहाँ पे हम इसका बुकमार्क दे देते हैं, इसका हम नाम अलग दे देते हैं। यहाँ पे मैंने दे दिया कि यहाँ पे हमने ट्यूसडे तक पढ़ा था, ऐड कर दिया। अब आप पेज पर या डॉक्यूमेंट पे कहीं भी रहो, आपको उस एरिया पे जाना होगा, तो बस आपको सिंपली काम करना है, बुकमार्क पे जाना है और जिस भी एरिया पे यानी जिस भी बुकमार्क पे आपको जाना है इस पे क्लिक कर दीजिए उस नेम को और गो टू पे क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पे आपका कर्सर आ चुका है। इसी तरीके से यदि हम ट्यूसडे पे क्लिक करेंगे तो जो ट्यूसडे का एरिया है वो आपका यहाँ पे शो होने लगेगा। तो इस तरीके से हम बुकमार्क का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो है हमारा क्रॉस रेफरेंस। याद रखिएगा ये तीनों मीन्स हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस तीनों एज अ लिंक ही वर्क करता है, बस थोड़ा सा तरीका अलग है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं क्रॉस रेफरेंस का। क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक कीजिएगा तो इसमें हम यहाँ पे दिया हुआ है हेडिंग के लिए, इसके लिए हमारे पेज पर हेडिंग होना ज़रूरी है। तो चलिए फटाफट हम हेडिंग बना लेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया और यहाँ पे हम हेडिंग बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने डाल दिया जैसे हार्डवेयर, ठीक है, यहाँ पे हम हार्डवेयर डाल देते हैं। और इसको एज ए हेडिंग बनाने के लिए आपको इसमें सेलेक्ट करना है, होम पे जाना है और हेडिंग वन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे चेक कर सकते हो आपका क्रॉस रेफरेंस में, यहाँ पे हेडिंग पे क्लिक करते ही जो भी आपने हेडिंग बनाए यहाँ पे शो होने लगेगा। तो फटाफट हम दो तीन हेडिंग बना लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम एक और बना लेंगे, सॉफ्टवेयर। हेडिंग मिस्टेक हो जा रही है, चलिए सॉफ्टवेयर सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे इसको एज ए हेडिंग दे दिए। अब इस हेडिंग को लिंक की तरह यूज़ करना है। पहले हम यहाँ पे एक ब्लैंक पेज इंसर्ट कर लेते हैं ताकि हमारे सारे लिंक्स एक पेज पर रहें। तो यहाँ पे ब्लैंक पेज को इंसर्ट कर लेते हैं जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस इंटर, यहाँ पे हम क्लिक कर लिए। इसके बाद यहाँ पे आपको कर्सर रखने के बाद क्रॉस रेफरेंस हेडिंग को चूज़ करना है और यहाँ पे आपको जो भी हेडिंग दिखेगा बारी बारी से आपको इंसर्ट करा लेना है। तो यहाँ मैंने दोनों हेडिंग को इंसर्ट करा लिया है। आपको इसमें इंटर देकर आप इसमें स्पेस भी रख सकते हो। के बाद जिस भी हेडिंग्स पे आपको जाना है कंट्रोल प्रेस कीजिएगा और उस हेडिंग पे क्लिक करिएगा। जहाँ पे भी आपका हेडिंग रहेगा वहाँ पर ये कर्सर जंप कर जाएगा। जैसे आपको सॉफ्टवेयर पे जाना है कंट्रोल प्रेस कीजिए और इस पर क्लिक कर दीजिए माउस का लेफ्ट बटन, आपका सॉफ्टवेयर हेडिंग पे कर्सर जंप कर जाएगा। तो ये रहा आपका आज का तीनों लिंक, हाइपरलिंक, बुकमार्क्स एंड क्रॉस रेफरेंस। आज की वीडियो आपको कैसे लगी और कोई कंफ्यूजन हो या कोई कमेंट्स हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।